नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम मोदी ने एचओएम के स्थापना सप्ताह को किया संबोधित, कांग्रेस की अहम बैठक नई दिल्ली में शुरू। आज से दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, इस्तीफे से परेशान हुई टीएमसी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, आम बजट को लेकर आई बड़ी खबर। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्योग मंडल एसोचेम के स्थापना सप्ताह को उन्होंने किया संबोधित, कहा सुधारों का असर है वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया तक का सफर। आज से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, शाह ने आज कोलकाता के रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस में उठ रहे नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच कांग्रेस की अहम बैठक आज नई दिल्ली में शुरू। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए नेताओं को मनाने की कवायद में जुटी सोनिया गांधी। भारत में कोरोना के मरीजों का ठीक होना लगातार जारी, अब तक कोरोना के 95 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 25,000 से अधिक नए मामले। गुजरात के जामनगर में कस्टम विभाग के ऑफिस से 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोना गायब, जांच में जुटी पुलिस। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार, देश में वर्तमान में है 3,08,751 कोरोना के एक्टिव केस। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, राजधानी दिल्ली में आज 4 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। RBI ने 31 मार्च तक बढ़ाए PMC बैंक पर नियामकीय प्रतिबंध, आपको बता दें कि बैंक को मिले हैं 4 निवेश प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कहा गोवारी और गोंड गोवारी है भिन्न व अलग जातियां। कांग्रेस जल्द चुनेगी नया अध्यक्ष, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले पार्टी के 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही चुने जाएं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान मिदनापुर के कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता सुवेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता जैसे तृणमूल कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट विधायक आज अमित शाह की उपस्थिति में थाम सकते हैं भाजपा का दामन। ट्रैफिक कम करने के लिए भारतीय रेलवे की नई पहल, दक्षिण मध्य जोन ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन के बिक्कावोलू स्टेशन पर पहली चालू की लंबी लूप लाइन सेवा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हुई गहमा गहमी के बीच बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो की नाराजगी के बाद TMC नेता जितेंद्र तिवारी का यूटर्न, CM ममता बनर्जी से मांगी माफी, कहा पार्टी के साथ हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट को लेकर किया दावा, कहा इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा क्योंकि सरकार कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पूर्व इस्तीफों से परेशान हुई TMC, अब बंगाल कांथी से TMC विधायक बंसारी मित्री ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। यूपी में कोरोना की 4.5 करोड़ डोज वैक्सीन का होगा भंडारण, यूनिसेफ की देखरेख में चल रहा है काम। हिमाचल में जबरन धर्मांतरण पर होगी 7 साल की सजा, अधिसूचना हुई जारी। CM अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा जो RSS की सोच है वही भाजपा का विचार। 4 जनवरी से शर्तों के साथ ही खुल सकेंगे बिहार के स्कूल कॉलेज व कोचिंग संस्थान, करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को दी अहम जिम्मेदारी, बनाया व्हाइट हाउस का नया प्रेस सचिव। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।